गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के 8 बज चुके हैं। उठ तो गया था मैं 7 बजे के आसपास, चाय वाय पी ली है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी है, बैठा था फिर यहाँ। और नेट चल रहा है, अभी रात के 12 बजे चला था, अभी तक तो चल रहा है, शायद 9 बजे के आसपास तक चलेगा, अगर कल की तरह हुआ तो। आगे चलेगा या नहीं पता नहीं, कुछ भी वीडियो डाल दी है, 8 बजे शायद वो आ भी चुकी होगी। और नोनू अभी भी सो रही है, आजकल उसका रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। सुबह को उठती है एक बार 6:30-7 बजे, लेकिन फिर से सो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोबारा ना सोए, नहीं तो मोस्टली वो दोबारा से फिर सो जाती है, फिर उठती है 8:30-8 बजे के आसपास। तो अभी वो उठने ही वाली है, तो मैं तब तक नहा धो लेता हूँ, तैयार हो लेता हूँ, क्योंकि फिर ड्यूटी के लिए भी निकलना है। तो फिर आपसे मिलेंगे बाद में। और मैं अंदर आया तो नोनू देखो ऐसे बैठी है उठ के, इसकी मम्मी बाहर काम कर रही है, ये आराम से उठ के बैठी है, तकिए के सहारे लग के बोझ बन के बैठी है। आ जाओ बेटा। और अभी देखो सिरो सर्वे चल रहा है, बताऊंगा बाद में सिरो सर्वे के बारे में क्या होता है। तो अभी यहाँ जिस गांव में चल रहा है ना, अभी यहाँ ड्यूटी है हमारी, तो यहाँ आया था मैं। और ये देखो नहर, नहर के बिल्कुल पास में घर है इनके, मतलब बच्चे भी भाग के आ जाएं तो सीधा यहीं आएंगे। और ये वही नहर है जो मैंने आपको दिखाई थी, एक वीडियो में दिखाई थी, आपको ध्यान हो तो। ये देखो अभी तो पानी कम है इसमें, उस टाइम ज्यादा था क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा था। ये देखो ये इधर घर हैं जो ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं ना, दिख रहे होंगे। और अभी जा रहा हूँ ड्यूटी खत्म करके घर को वापस। और जो सिरो सर्वे का जो मैंने बताया था उसके बारे में अभी बताता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में। सिरो सर्वे क्या है कि ये एक रैंडम सर्वे है जिसमें रैंडम सैंपलिंग करते हैं लोगों की, ये देखने के लिए कि कोविड की एंटीबॉडीज हैं वो कितने लोगों में बनी है। पहले भी हुआ था ये, शायद दो बार हो चुका है वैसे। लास्ट जो सर्वे हुआ था वो शायद अगस्त 2020 में हुआ था, उस टाइम 14.6% लोगों में कोविड की एंटीबॉडीज थी। लेकिन अब तो क्या है, जैसे कोविड की सेकंड वेव आई, बहुत सारे लोगों को कोविड भी हुआ तो उनमें एंटीबॉडीज बनी है, वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा लोगों को हो चुका है, फिर एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है लोगों में। जब बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी हों या इन्फेक्ट हो चुके हों बहुत सारे लोग, तो जो नॉन इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें भी कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए ये एक सर्वे चल रहा है जिसको थर्ड सिरो सर्वे कहा गया है। और जो ऐप डेवलप की गई है वो, इसकी जो ऐप है वो अपने आप ही रेंडम लोगों को सिलेक्ट करती है। जैसे आप फैमिली मेंबर्स की डिटेल डालोगे तो उसमें वो एप्लीकेशन खुद ही बताएगी कि आपको किस बंदे का सैंपल लेना है। आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, जो मर्जी पकड़ के बंदे ले दिए सैंपल, नहीं। तो इसलिए जो रिजल्ट है वो काफी एक्यूरेसी के साथ इस बार आएगा, पहले का मेरे को नहीं पता कैसे हुआ था। और इस बार क्या है, बच्चे भी इंक्लूड करे गए हैं। पहले जो सिरो सर्वे होते हैं उनमें 18 प्लस ही इंक्लूडेड थे, अब की बार में 6 से 10 साल तक और 10 से 18 साल तक और एक 18 से ऊपर, ये तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। तो देखते हैं जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, कैसे आएंगे। जब रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा कैसे आए हैं। और व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, ओए होए। और अभी जिस गांव में थी ना आज हमारी ड्यूटी, मतलब सैंपलिंग जिस गांव में थी, वो गांव भी इतना अच्छा गांव है, मतलब छोटा सा गांव है, 150-60 घर हैं उस पूरे गांव में। और वो बता रहे थे कि 1990 में भी, मतलब यहाँ बहुत थोड़े से घर थे, कच्चे घर थे। उससे पहले क्या होता था, यहाँ पे जो नवाब होते थे ना 1940-50s के आसपास, तो उन नवाबों के यहाँ पे अस्तबल होते थे, मतलब जहाँ पे घोड़े रखते हैं ना वो जगह होती थी यहाँ पे। फिर कोई दो चार फैमिलीज आई, वो यहाँ के इस नदी के किनारे रहने लग गई थी,
तो फिर ऐसे ऐसे करते करते घर बढ़ते गए, तो अभी यहाँ पे 150-60 के आसपास घर हैं। तो इतना छोटा सा गांव है, पर गांव वैसे ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा साफ सुथरा भी नहीं था, ठीक गांव था। गलियाँ थोड़ी सी नैरो थी, मतलब चौड़ी चौड़ी गलियाँ नहीं थी, ये चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बाकी वैसे अच्छा लगा मेरे को। ओवरऑल जो सर्वे था वो काफी सही रहा, लेकिन एक चीज है जो हमने सोचा था ना कि छोटे बच्चों के सैंपल लेने में ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ज्यादा दिक्कत यंग पॉपुलेशन में आई। मतलब यार यंगस्टर लोग ऐसे भाग रहे हैं सैंपल देने से सुई के डर से, सिर्फ छोटे बच्चे सैंपल इजिली दे रहे थे, मतलब कन्विंस तो देखो करना पड़ता ही है बच्चों को, लेकिन उनको किसी ना किसी बहाने से कन्विंस हम कर रहे थे आराम से, लेकिन यार यंगस्टर ऐसे भाग रहे थे। मतलब एक दो तो ऐसा भी मिला, नहीं मैं तो बीमार चल रहा हूं, मेरे को तो ये है, मेरे को तो वो है। यार लोग तो 500-700 रुपए दे के ये टेस्ट बाहर से करवाते हैं देखने के लिए एंटीबॉडी है या नहीं है, यहाँ पे टेस्ट फ्री में हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से टीम आपके घर पे आई है सैंपल लेने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग रेडी नहीं हो देने के लिए, यार कमाल की बात है। तो अगर मान लो सर्वे की टीम आपके पास आती है सैंपल लेने के लिए, तो प्लीज सैंपल जरूर दो, आपका ही फायदा है, आपको ही पता लगेगा एंटीबॉडी है नहीं है, क्या चीज है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि पिछली बार 14.6% लोगों में ही सिर्फ एंटीबॉडी मिली थी, क्योंकि देखो उस टाइम तक फर्स्ट वेव में इतने ज्यादा लोग भी इन्फेक्ट नहीं हुए थे और वैक्सीनेशन तो बहुत कम लोगों को ही हुआ था। इस बार बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेशन से कवर्ड है, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन कवर हो चुकी है वैक्सीनेशन से, चाहे भले ही एक डोज लगी हो या दो डोज लगी हो, लेकिन कवर्ड तो हैं। और सेकंड वेव में बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं, और जो ये सेकंड वेव के जो स्ट्रेन थे वो बहुत ज्यादा मतलब स्प्रेड कर रहे थे, तो जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं भी आए उनका भी कोविड पॉजिटिव आ रहा था, तो डेफिनेटली एंटीबॉडीज भी ऐसे लोगों में भी मिलेंगे जिनको कभी कोविड नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि शायद 40-60% के बीच में इस बार रिजल्ट आना चाहिए, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हुआ है और सेकंड वेव आई थी। अगर 40 से नीचे आता है तो डेफिनेटली कम होगा, और 60 से ऊपर अगर आता है तो वो उतना ही बढ़िया होगा, लेकिन अगर 40 से 60 के बीच में भी रिजल्ट रहा तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट होगा। तो जैसे ही पूरा डाटा आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो बना के, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, गुड नाइट, बाय बाय।